Tomato honeycomb mix. Saturday or Sunday, har baar ka ye fix. Par simple, wahi ka wahi, wahi ka wahi. Oh, dahi besan lagaya, pack ho cheese ka banaya. Par pimple, wahi ka wahi, wahi ka wahi. ये होममेड तरीके wait, वीडियो स्किप मत करो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बस चुटकी बजा के अपने पिंपल को गायब कर सकते हो। जिस फोटोशॉप का यूज करके आप अपना पिंपल एक क्लिक में हटा सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से पिंपल को रिमूव कर सकते हैं अपन एक मिनट के अंदर। सो हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये वाली इमेज हमने यहाँ इम्पोर्ट की हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो दो पिंपल इस इमेज पे हैं और देखेंगे कैसे एक स्टेप करके आप दोनों पिंपल्स को गायब कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा मैं आपको बताता हूँ। दिस इज योर टूल बार ऑफ फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फोटोशॉप में जो राउंड सर्कल होता है उसका मेन ब्रश होता है, ठीक है। आप क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, इसका साइज डिक्रीज कर सकते हो। हमें क्या करना है, इस ब्रश को जस्ट अपने जो पिंपल है उस पर लेके आना है, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे। नाउ इट्स परफेक्ट, जस्ट एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नाउ द पिंपल इज गॉन, ठीक है। सेम हम लोग करेंगे दूसरे पिंपल के साथ, थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेंगे ताकि दोनों पिंपल इसमें आ जाए। एंड देन हम लोग करेंगे एक क्लिक, एंड क्लिक करते ही जो अपना पिंपल है वो हट चुका है। अभी आप इस इमेज को देखिए, पहले हमारी इमेज ये थी, ठीक है, एंड अभी जो इमेज है वो ये है। जस्ट आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना है और दोनों पिंपल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके दोनों जो पिंपल हैं वो गायब हो जाएंगे लाइक दिस। सो इसी तरीके से आप भी अपनी इमेजेस में पिंपल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक पिंपल पूरी फोटो आपकी बिगाड़ देता है। आपको जस्ट एक स्टेप फॉलो करना है फोटोशॉप में और आप इजीली पिंपल को रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस टाइप के बहुत सारे शॉर्ट ट्यूटोरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फोटोशॉप से रिलेटेड, जिसमें बस आपको एक स्टेप फॉलो करना है और बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।